नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की खबर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन टंडन जी को लखनऊ का लाल कहा जाता है। आखिर लखनऊ के लिए लालजी टंडन ने ऐसा क्या कहा कि उनसे जुड़ा कोई भी शख्स उन्हें सिर्फ बाबूजी से ही संबोधित करता है। लखनऊ के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की नींव बाबूजी ने ही डाली थी। लालजी टंडन ने लखनऊ में विकास की जो नींव रखी, उसी की वजह से लालजी टंडन को लखनऊ का लाल कहा जाता है। आज भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लखनऊ के विकास की वो नींव सदैव चिरंजीवी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास की नींव समझने वाले लालजी टंडन जब नगर विकास मंत्री बने तो मानो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की वो सूरत शुरू से बदलना चाहते थे। अब उनके पास इससे अच्छा मौका नहीं था। शुरू हुआ शहर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर काम करना। गोमती नदी को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाते हुए टंडन ने 125 करोड़ देने के बजट की घोषणा की थी। यही नहीं, पुराने लखनऊ की सूरत बदल दी। सीसी रोड का जाल बिछाने के साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण और पार्कों का सौंदर्यीकरण कराकर शहर को कई ओवर ब्रिज का भी तोहफा दिया। बाबूजी से मिलना है। जैसे ही ये बात लालजी टंडन के शुभचिंतक कहते थे, तत्काल सोंधी टोला यानी लखनऊ के चौक का वो इलाका जहां से बाबूजी यानी लालजी टंडन ने राजनीति का कखरा सीखा, उसकी याद आ जाती थी। लालजी टंडन जैसे ही नगर विकास मंत्री बने, एक बड़ा बदलाव आया था। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को, हुडको, LIC और तमाम बैंक्स लोन देने से कतराते थे, लेकिन टंडन जी के मंत्री बनते ही ये संस्थाएं महज कुछ माह के अंतराल पर विकास प्राधिकरणों के पीछे लोन देने के लिए पड़ गईं। ऐसी शख्सियत बाबूजी यानी लालजी टंडन की थी। दिवंगत मध्यप्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के सच्चे सपूत लालजी टंडन ने साल 1991-92 में ऊर्जा मंत्री रहते हुए लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में नए उपकेंद्रों और ट्रांसमिशन लाइनों का तोहफा देकर राजधानी में बिजली व्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। उन्हीं के समय बिजली बोर्ड का पुनर्गठन हुआ और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की पहल की गई। नगर विकास मंत्री रहते हुए लालजी टंडन ने हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, भावराव देवरस योजना के तहत 5,600 आश्रय और 32,000 भूखंड और भवन देने का काम किया गया। बाबूजी का सपना था कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कोई सड़कों पर ना सोए। इसके लिए लालजी टंडन ने सामुदायिक केंद्रों और रैन बसेरों का खूब निर्माण कराया। दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में बाहर से इलाज कराने वालों की लंबी संख्या को देखते हुए अस्पतालों में भी टंडन जी ने रैन बसेरों के निर्माण में कोई कोताही कभी नहीं बरती। नगर विकास मंत्री बनते ही लालजी टंडन ने लखनऊ समेत यूपी में विकास से जुड़े कार्यों की झड़ी लगा दी। पार्कों का सौंदर्यीकरण, पार्क बनवाना, गोमती को निर्मल और स्वच्छ करने के साथ ही 21 मई 2001 में प्रयागराज में हुए कुंभ के लिए संगम को तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे अद्भुत कार्यों के लिए लालजी टंडन को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पर्यावरण पुरुष का खिताब दिया था। उस वक्त 32 करोड़ लीटर नालों का पानी गंगा में मिल रहा था। कहा जाता था कुंभ में गंगा कैसे आचमन लायक बनेगी, लेकिन तत्कालीन विकास मंत्री लालजी टंडन के भगीरथ प्रयासों का ही फल था कि कुंभ में गंगा न सिर्फ आचमन लायक बनी, बल्कि
उसका जल भी निर्मल हो सका। ऐसे थे लालजी टंडन। नगर विकास मंत्री रहते हुए लालजी टंडन ने 5 रुपए प्रतिदिन के किराए पर कमजोर वर्ग के लिए घर की योजना शुरू की थी, जो बहुत ही सफल रही। वहीं बालिकाओं की शिक्षा के लिए महाविद्यालय बनवाकर शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। लालजी टंडन ने राजधानी लखनऊ में 2000 क्षमता वाले साइंस सेंटर का निर्माण कराया था। इससे पहले लखनऊ में इतना बड़ा कोई स्थान नहीं था जहां कोई मीटिंग या कार्यक्रम हो सके। जब भी साइंस सेंटर की बात आती है तो लालजी टंडन जरूर याद किए जाते हैं। टंडन के समय ही कूड़े के एकत्रीकरण और निस्तारण के प्रभावशाली कार्य किए गए। नगर विकास मंत्री बनने के बाद लालजी टंडन ने नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए। स्थानीय निकायों के अधिनियम में संशोधन कराया, साथ ही विधानसभा में नगर निगम कर्मियों के वेतन संबंधी समस्याओं को भी पुरजोर तरीके से उठाया। सिर्फ नगर विकास मंत्री रहने के दौरान ही नहीं, बाद में जब ऊर्जा महकमे का चार्ज लालजी टंडन के पास आया तो बाबूजी ने न सिर्फ बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कराया, बल्कि बिजली के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी योजनाओं की नींव रखी जो आज उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को एक नया आयाम और एक नई दिशा दे रही हैं। ऐसे ही थे लालजी टंडन। लालजी टंडन उत्तर प्रदेश की वो शख्सियत थे जो पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के पुरोधा और परम श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी की परछाई के तौर पर लखनऊ में जाने जाते थे। दरअसल लखनऊ में 2009 में जब अटल जी बीमार हुए तो न सिर्फ उन्होंने राजनैतिक रूप से संन्यास लिया, बल्कि अपनी सीट भी लालजी टंडन के लिए खाली छोड़ दी। लालजी टंडन विजयी हुए और लखनऊ में अटल जी का नाम और काम आगे बढ़ाया। आज लखनऊ के लालजी टंडन इस दुनिया से विदा हो गए हैं, लेकिन लखनऊ के लोगों के दिलों में राज करने वाले लालजी टंडन यानी बाबूजी सदैव चिरंजीवी रहेंगे। भाजपा के धुर विरोधी मुस्लिम और तमाम विपक्षी भी लालजी टंडन की शख्सियत के मुरीद थे। दरअसल लालजी टंडन लखनऊ के उस पुराने इलाकों से चुनाव लड़ते थे जहां पर मुस्लिम आबादी बेहद ज्यादा है। जब इन लोगों से ये पूछा जाता था कि भाजपा के आप धुर विरोधी हैं, ऐसे में आप भाजपा के विकल्प के तौर पर किसको वोट देंगे, तो उनका कहना सिर्फ यही होता था कि हम तो बाबूजी के सिवा किसी को वोट नहीं करेंगे। ऐसी थी लालजी टंडन यानी बाबूजी की शख्सियत। फिलहाल लखनऊ गमगीन है, लखनऊ वासी आंखों में दर्द और गम के आंसू लिए हैं। लालजी टंडन की शव यात्रा निकल चुकी है और लालजी टंडन इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो चुके हैं। लखनऊ वासी और मध्य प्रदेश के तमाम लोग और पूरा देश और भाजपा अपने इस नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, जिसने अटल और आडवाणी के दौर में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश भाजपा में एक नई नज़ीर और एक नई तस्वीर पेश की थी। फिलहाल मुझको दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।